अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ पीएसटीज के लिए और इस वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी एएसआई के जूम लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर, असिस्टेंट का कोर्स चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का चाहिए, असिस्टेंट जो कॉलेज एजुकेशन में जॉब चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का कोर्स चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। और काफ़ी कैंडिडेट ईसीटी के भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब हम बात करते हैं इस लेटर की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये वाला लेटर है और इसमें लिखा गया है ना, इनिशिएटिव ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय स्टेट थ्रू थर्ड पार्टी। अब देखें, इसमें पीएसटी का स्पेशली फोकस किया गया है। अब इसमें ये लिख रहे हैं कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट, जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट हमने कंडक्ट की थी उसका रिजल्ट भी आ गया है, एम्प्लाइज के बारे में उसको एड्रेस करने के लिए लिखा है। अब टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट अ टोटल 113 प्राइमरी स्कूल टीचर्स पास हुए, सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री के लिए कंडक्टेड अक्रॉस सिंध, और दिस अचीवमेंट इज़ अ टेस्ट अमाउंट टू देयर डेडिकेशन, जाहिर है उन्होंने मेहनत की है और क्वालिटी एजुकेशन को भी शो करता है सूबे में। अब प्रमोशन की जो बात हो रही है कि सिंध कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट ने मीटिंग की थी 25 मई को, और जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि टीचिंग लाइसेंस की अप्रूवल के बारे में, उसकी कॉपी कह रहे हैं अटैच है। और ये कह रहे हैं कि रिसेंट जो बजट है स्पीच का, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस पॉलिसी के बारे में कहा है, डिस्कस किया है, स्टेटिंग दैट द सिंध गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो प्रमोशन देंगे 14 से लेकर 16 तक। और इसमें ये कह रहे हैं कि दिस अनाउंसमेंट वाज फर्दर इंडोर्स बाय ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया, वेरियस मीटिंग्स में उसको बताया और उसकी तारीफ वगैरह की, रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रांग कमिटमेंट टू द प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर टीचिंग स्टाफ की तारीफ की है उसमें। और कह रहे हैं कि अब चैलेंजेस क्या हैं जिसकी ज़रूरत है और नीड्स क्या हैं, डिस्पाइट दीज पॉजिटिव डेवलपमेंट वी फेस सेवरल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दीज डायरेक्टिव, मतलब उसमें वो जो डायरेक्टिव दी गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें इशू हो रहा है टू लिमिटेड प्रोविजन, क्योंकि हमने रूल्स नहीं बनाया उसका, उसके साथ 14 स्केल वाले पीएसटी की बात कर रहे हैं। इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस दीज इशूज़ टू इंश्योर अ स्मूथ एंड फेयर प्रोमोशन फॉर आवर डेडिकेटेड पी एस टीज़ के बारे में कह रहे हैं, ये ज़रूरी है कि इसको भी देखा जाए। और कह रहे हैं कि स्पेशली जे 14 स्केल जे एस टी को हम प्रमोशन दे रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर का, लेकिन ये कह रहे हैं कि पी एस टीज जो है ना वो लेफ्ट बिहाइंड है, उनका प्रमोशन अकॉर्डिंग टू रूल नहीं हो रहा, हालांकि टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट भी पास की उन्होंने। और कह रहे हैं कि टू एड्रेस दिस इशू, अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए ये कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए फॉर ऑल बी पी एस 14 जितने भी इम्प्लाई हैं, मतलब पी एस टी जे एस टी दोनों, क्योंकि दोनों 14 में हैं। वी प्रोपोज अ थारो रिव्यू, और हम कहते हैं, हम प्रोपोज करते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए, अमेंडमेंट की जाए रूल्स में, करंट रूल्स में, करंट रूल्स को, और दिस विल फैसिलिटेट द प्रोमोशन प्रोसेस एंड अलाइन इट विद द डायरेक्टिव अनाउंस बाय और लीडरशिप, जो मिनिस्टर साहब ने वो अनाउंसमेंट की है। अब कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड हमने इसका निकाला है, हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिसिस को, स्टीम्ड ऑफिसिस को प्रायोरिटाइज करें इस मैटर को एंड कोलाबोरेट करें और विद द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट करें, कोई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालें जैसे पीएसटी 14 को 16 मिल सके, और दिस विल नॉट ओनली ऑनर द कमिटमेंट मेड बाय लीडरशिप बट आल्सो बूस्ट द मोरल्स एंड मोटिवेशन ऑफ आवर टीचिंग स्टाफ, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये जैसे 113 पीएसटी ने तो पास की टीचिंग, अब फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा उनको दिया जाए ना, नीचे लास्ट वाली लाइन में लिखा गया है कि उनको भी प्रमोशन दिया जाए, के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जैसे टीचिंग लाइसेंस जो पास करेंगे पीएसटी जो कर रहे हैं या जिन्होंने किया है तो उनको भी हम प्रमोट करें, फिर आगे जाके एचएसटी बनेंगे, फिर एचएम बनेंगे, फिर आगे जाके आप डीओ टीओ बनेंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। और आप कमिट्स में ये इस चीज़ को कहें कि आपके लिए भी एक रास्ता बनाया जाए, जो जो पीएसटी कैंडिडेट हैं और आप अपनी पोस्टिंग में लिखें कहाँ पर हैं और आपका क्या व्यू है इसके बारे में, तो आप इसके बारे में लिखें जैसे अथॉरिटीज़ को पता चल सके कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो टीचिंग लाइसेंस भी टेस्ट देना चाहते हैं और ये प्रमोशन भी चाहते हैं, एच एस टी बने जैसे फर्दर आपको प्रमोशन मिल सके। अच्छा, आपने देख लिया तो ये गुड न्यूज़ है, जो पी एस टी कैंडिडेट हैं उसके लिए लिखा गया है, तो आपको भी आगे जाके प्रमोशन मिलेगा। और आपको पता चलूँ कि जो स्कूल एजुकेशन में पी एस टी जे एस टी एच एस टी ये आगे जाके डी ओ टी ओ यही बनते हैं, इनका ही प्रमोशन होता है, तो आप मेहनत करें, बी एड वगैरह आप ज़रूर करें, कम्प्लीट करें, कहीं से भी आप पढ़ें उसका भी आपको फ़ायदा होता है, वैसे नॉर्मली भी प्रोमोशन आपका होगा, ये लिखा गया है इसमें, तो ये गुड न्यूज़ थी, मैंने बेहतर समझा आपके साथ शेयर करूं। अदरवाइज़ पी एस टी को सिर्फ टाइम स्केल दिया जाता है और जे एस टी का एच एस टी, फिर एच एस टी आगे जाके एच एम बनते हैं, फिर एच एम के साथ डी ओ टी ओ बनते हैं, 20वें ग्रेड तक जाते हैं, तो अब पी एस टी के लिए भी गुड न्यूज़ आने वाली है,
फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो पीएसटी की जॉब कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका तालका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे हमें पता चल सके कि कितने कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो हमारे लिए गवर्नमेंट। ये मैंने स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप इसके नीचे कमेंट करें, आप बिल्कुल ये डिमांड करें कि आपके प्रमोशन के लिए भी नोटिफाई किया जाए, जैसे फर्दर आपको भी फायदा हो सके जीएसटी की तरह। तो कमेंट्स में आप अपना तालका लिखें और पीएसटी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं वो भी जरूर लिखें। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।